क्या नाम है भाई तेरा? अरे बस 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 तेरी ले ली थी चप्पल। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, ये थोड़ा सा अंदर लगा हुआ है ना? हाँ लगा हुआ है। What's up guys? Welcome back to my YouTube channel once again. तो आज क्या तरीके हो रहा? 10 और इस टाइम क्या हो रहा है गौरव? 952 इंडिया के। कल हम लोगों ने काठमांडू में एंट्री ली और जाती सो गए। तो आज लोगों का प्लान हमारा ये है कि अभी तो हम बाज़ार में निकले हुए थे और सबसे पहले हम 3M टेप की सर्च में निकले, जो कि हमें अभी तक तो खैर मिली नहीं है। और अभी ये रेस्टोरेंट ज़रूर दिख गया, रेस्टोरेंट दिख गए तंदूरी। वाह सही टाइम पर आई है। तो भाई यहाँ पर एक तंदूरी भोजनालय करके, तो यहाँ पे आए हैं, अभी यहाँ का खाना टेस्ट करके देखेंगे, अच्छा लगेगा तो आपको बता देंगे कहाँ पर है काठमांडू में और आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अभी तंदूरी हमने नान मंगाए हुए हैं, तभी नान आएंगे मस्त, वो खाएंगे फिर आपको बताएंगे, है कि नहीं। तो अभी खाना खाने के बाद 3M टेप ढूंढेंगे पहले, फिर एक बार वेस्पा के सर्विस सेंटर जाएंगे। इसको वेस्पा के सर्विस सेंटर जाना है, मुझे सस्पेंशन नहीं, मुझे एक्चुअली एयर फिल्टर क्लीन कराना है, सबसे मेरा मेन काम ये। दूसरा मैं सस्पेंशन चेक करवाऊंगा क्योंकि मुझे यार थोड़ी गड़बड़ में लग रहा है, थोड़ा डाउट लग रहा है। और हाँ कल की राइड पर मेरा जो क्रोम गार्ड था हेडलाइट का वो गिर गया था, तो मुझे वो भी नया लगवाना है यहाँ पर। तो आज का व्लॉग इस खाने से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया और अब हम आए हुए हैं वेस्पा एप्रिलिया के सर्विस सेंटर में काठमांडू के। एंड यार ये बहुत सस्ता है, लिटरली बहुत सस्ता है यहाँ पे सब कुछ, है ना। यहाँ पर आप लोगों ने कंडीशन देख ही ली थी कितनी गंदी हो रखी है, एंड मैंने इन लोगों को बोला है कि ये सिर्फ एयर फिल्टर क्लीन कर देंगे वेस्पा का, एंड सेकेंड वॉशिंग विच इज़ सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। तो चार्जेस मैंने इन लोगों से पूछे तो इन लोगों ने मेरे को वॉशिंग का 100 नेपाली रुपीज़ चार्ज बताया, विच इज़ लाइक 60 इंडियन एंड 50 रुपीज़ फॉर एयर फिल्टर क्लीनिंग, बहुत सस्ता। अगेन 90 रुपीज़ में पूरा का पूरा यहाँ पर काम बन गया, 90 इंडियन रुपीज़ में। बाय द वे ये हमारा रूम था, बहुत बजट रूम है, और इस रूम के लिए हमने 1200 नेपाली पे करा है। ये मेन चीज़ है यहाँ की, सी लुक एट द व्यू। सो दिस एरिया इज़ नोन एज थम्मिल, एंड मौसम भी यार बहुत प्यारा है आज का इस टाइम पे। यार सामने वो दोनों यार पिज़्ज़ा खा रहे हैं यार, मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन कर गया यार। तो यार एक पबजी का मैच हारने के बाद और बहुत सारा टाइम पास रूम में करने के बाद इस टाइम हो गया 6:24 एंड हम लोग अपने रूम से बाहर जा रहे हैं। प्लान है थम्मिल घूमने का। नाइस डॉगी। अरे लात मत मारो यार उसको। मेरे साथी। आप ही माय फ्रेंड। क्या नाम है भाई तेरा? क्या नाम? इज माय फ्रेंड। चाउचो। अरे बस 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 बस।
तेरी ले ली थी चप्पल रवि, ये अपनी बिना चप्पल खाता ऊपर वाले बजाओगे नो 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 करके उल्टे आ जाएंगे अरे चल। तो ये कोई गाइस एक चीज है जिस जो कि 5 मेटल का मिक्सचर है और एक मेटल यहाँ नेपाल में मिलता है, भैया ने जैसे बताया था, तो ये उससे बज रहा है। इसके बाद तो बढ़ती जा रही ओए। सो दिस गाय, तो ये जो बंदा था ना, ये मेरे को हैश सेल करने की कोशिश कर रहा था, बट उसको पता नहीं था उसको पता नहीं था हरियाणा से है गौरव, उसको पता नहीं था एक्चुअली हरियाणा से स्वाद लेने में उसको ताकत है। तो जब जब मैंने जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करा तो वो चला गया। नेपाल वाली किचन कितने की है ये? हाँ जी 100 रुपये 100 1 नेपाल 1 काठमांडू नो 2 नेपाल 2 काठमांडू तू भी लेगा नो 1 नेपाल 2 काठमांडू नो 2 नेपाल 1 काठमांडू सी मेड इन हरियाणा यस ही इज मेड इन हरियाणा एवर विजिटेड हरियाणा नो प्लीज विजिट वंस यू नो देयर इज अ यू डू यू ईट पराठा यस देयर इज अ पराठा जंक्शन इन रोहतक रोहतक सिटी हरियाणा नो 30 feet लॉन्ग पराठा इट्स अरे 3 feet है या 30 feet है 3 feet 30 feet 3 feet लॉन्ग पराठा नॉट 30 3 feet लॉन्ग पराठा सो हाउ इज क्लाइमेट क्लाइमेट नाउ इन हरियाणा 47 इट्स इवनिंग मॉर्निंग टाइम नो इन आफ्टरनून इट्स 47 लाइक मैक्सिमम टेम्परेचर 47 इन समर्स and in winters minimum temperature goes by up to 1.0.2 degrees you know sardiyon mein sardi garmiyon mein garmi it's all ac according to climate yeah and how is it feel in nepal it's very nice yeah definitely it's very nice yeah because in nepal is weather is mostly place it going to be changed Yeah, daytime is a little bit hot, but morning and evening it's cold. You know, it was very always. Hot in the afternoon, yeah, and right always. Now it's raining. Yeah, always. Yes, always. Actually, it's raining right now. Yeah, always said. Yeah. And if you like to go to in Outer Valley, different. In Pokhara, different climate. Good to see you. What is Thank your you name? So much. My name is Ravi, sir. Okay, my name is Rajkumar. Okay, nice, nice name. Yeah. सो ये इन अंकल की शॉप थी जहाँ पर जिनसे अभी मेरी बात हुई एंड लुक एट दिस रियली बात है हकीकत आपसे दोबारा मिलने आएंगे अब हम आंटी अब आप इंडिया आ जाओ ना एक बार ठीक है कब आ रहे हो आंटी अब केदारनाथ आओ ना अगर आप मौका मिले अगर आप शंभू के भक्त हो आप तो आप केदारनाथ आओ ठीक है आप कहाँ रहते हैं हम वी आर फ्रॉम हरियाणा हरियाणा दिल्ली नियर दिल्ली हाँ हाँ ओम नमः शिवाय बहुत अच्छा लगा तो भी आंटी ने हमें मतलब खुश होकर आंटी कह रही तुमने मेरा दिल जीत लिया तो आंटी हमें ये गिफ्ट दे रही हैं दोनों को ये दोनों को बांधा आंटी ने क्यों नहीं बहुत रवि को बांधा लड़का आया तो मेरे मन का बहुत खुश हो गया इसीलिए चलो थैंक यू सो मच आंटी वेलकम ओके गुड लाइफ दिल जीत लिया है आंटी ने हम लोगों ने आंटी का दिल जीत लिया हम लोगों ने आंटी का जय पबजी इसी के साथ ही आज का ब्लॉग खत्म होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस रोड से रवि साइनिंग ऑफ हैव अ ग्रेट डे अहेड बाय अरे ब्रो आगे मजा रवि भाई दिस इज प्रॉपर वेलकम इन नेपाल तो इसका प्रॉपर वेलकम है भाई